हाय डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लास में से स्वागत है। कक्षा 10वीं का संस्कृत का असाइनमेंट का आंसर करने जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, आप कहीं से भी आंसर लिखें, एक बार अपना आंसर जो है ज़रूर चेक करें ताकि कहीं पर गलती ना हो, सही नंबर मिले और बेस्ट आंसर जो है आपको मिले। देखिए, इसमें संस्कृत के जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, इसमें बीच में से पार्ट लेसन के युधिष्ठिर नामक जो पार्ट है उसके बीच से लिया गया है, बीच बीच के जो श्लोक है उससे क्वेश्चन बनाया गया है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने कहीं से देख कर नोट किया होगा या किसी से पूछ कर लिखा होगा, तो हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा आपसे। तो इस गलती को ज़रूर सुधार कर ले इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो है संस्कृत के सही आंसर जो है इसमें आपको मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, कक्षा 10वीं का संस्कृत ये आंसर है, अधोलिखित श्लोकम पठित्व प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाए लिखत। तो आवृत्ति इति पदस्य हिंदी भाषायाम अर्थ लिखत। देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर ये जो श्लोक है इसको पढ़कर आपको आंसर देना है ना। तो यहाँ पर देखिए, आवृत्ति का मतलब होता है व्याप्त है, ठीक। लोभात त्यजति मित्राणि इति वाक्यस्य हिंदी भाषायाम भावार्थ लिखत। लोभ के कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ता है, ये इसका आंसर है। मित्राणि इति पदस्य लिंग विभक्ति वचन लिखत। मित्राणि शब्द का लिंग विभक्ति और वचन लिखना है, तो पुरलिंग होगा दोस्तों, ये पुरलिंग है और विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन, ये एक वचन द्विवचन दोनों में आता है। लोकस्तमस इति पदस्य संधि विच्छेद कुरु, तो लोकः धन तमसा। अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कह दम दमः प्रकृति मनसो दमः प्रकृति, मन तो हो गया है, मनसो है मनसो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। किम शीघ्रतरम वायोः, मनः शीघ्रतरम वायोः। सुखानाम उत्तम किम, सुखानाम तुष्टि रुतमा। युधिष्ठिर कस्य प्रश्ननाम उत्तराणि अगच्छत्, युधिष्ठिर यक्ष प्रश्ननाम उत्तराणि अगच्छत्। निर्देशानुसारेण धातु रूपम परिवर्तनम कुरुत कृत्वा लिखत। गृहे वर्तन्ते लिट्लकारे, तो यहाँ पर गृहे वर्तिष्यन्ति होगा। अहम गृह कार्य करिष्यामि लंग लकार में बदलना है, अहम गृह कार्यम अकर्वम। मयूरः अनित्यं मयूरः नित्यन्तु, ये लोट लकार भी बनाना था दोस्तों। आए सारे आंसर जो है पीछे में देखेगा, जो धातु रूप होता है उसमें सब दिया होता है, उसी से इसको लिखा गया है। ते विद्यालय मिलिए, ते विद्यालय मिलंती, लट लकार में बनाना था इसको। के बाद आगे देखिए, प्रश्न चार, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदेशु संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर केशाम तिरस्कारः भवेत, तो ये हो जाएगा तीरह प्लस कारह, ये जो लकीर खींचा गया है उसका संधि विच्छेद करना था। नदीशु विमलम जलम राजते, तो नदीशु विमल प्लस जलम राजते होगा इसका आंसर, ठीक है। सह गच्छति ग्रामम, तो ये हो जाएगा सह गच्छति ग्रामम। बालकः पितरु आज्ञा पालयन्ति, बालकः पितु प्लस आज्ञा पालयन्ति, पालयति होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस को छोड़ दिया है, इसको आपको लिखना है। देखो, करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पर ये जो सेंटेंस राजते लिखा है, इसको आपको यहाँ पर भी लिखना था, पर बच्चे ने थोड़ा सा मिस्टेक, ये यहाँ पर आपको नोट कर देना है राजते, है ना। इसको छोड़ा है, बाकी आंसर सही है। तो राजते शब्द को वहाँ पर ज़रूर नोट कर लेंगे। सह गच्छति ग्रामम, सह गच्छति ग्रामम। बालकः पितृ आज्ञा बालकः, इसको बता दिया मैं। कोष्टक में जो प्रश्न अव्यय दिया गया है, उसमें से कोई भी चार चतुर्नाम अव्यय नाम चयन कृत्वा वाक्य प्रयोग कुरुत, कोई भी चार शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, उच्चई है, मम है, आप चाहे तो और दूसरे शब्दों का कर सकते हैं, बुक में पीछे में दिया हुआ है, मम है, बही है ना। तो ये इस प्रकार संस्कृत के सारे क्वेश्चन और आंसर, एक और बचा हुआ है नीचे में देखिए, ये वाला। इस प्रकार संस्कृत के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, है ना। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि आपको बेस्ट आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको मिल सके। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को, इसको संस्कृत को कम्प्लीट करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा चैनल का।